हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मिक्स वेज बनाएंगे। अक्सर बच्चे कुछ सब्जियां नहीं खाते हैं, मिक्स वेज आप बनाएं, बच्चे सभी सब्जियों को मन से खा लेंगे, बहुत ही हेल्दी होता है। चलिए मिक्स वेज बनाना शुरू करते हैं। मिक्स वेज बनाने के लिए हमने जो सामग्री ली है उसमें है एक गाजर, गोभी है, ये छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लिए हैं, 7-8 फूल है छोटा छोटा, ये ब्रोकली है, शिमला मिर्च एक हमने लिया है, आलू एक है, टमाटर, 3 प्याज है, हरी मिर्च है, 6-7 हरी मिर्च है। सब्जियां आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम 4 लोगों के लिए मिक्स वेज बना रहे हैं। पत्ता गोभी है थोड़ी सी हमने ली है, ये बीन्स है, लहसुन 8-10 कली के लगभग है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, पनीर है। पनीर आप इसके भी कर सकते हैं नहीं पसंद करते हो तो, या कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मटर है 1 कटोरी, हरी धनिया है। सभी चीज़ों को हमने धुल लिया है, सभी सब्जियों को। मसाले में है नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, काश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटे चम्मच से कम है, और ये सब्जी मसाला है 1 चम्मच। आप कोई भी सब्जी मसाला ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मिक्स वेज में मसाले बहुत ही हल्के पड़ते हैं। सबसे पहले हम सभी सब्जियों को काट लेंगे। सभी सब्जियों को हमने काट लिया है। सब्जी आपको इस तरह से काटना है, गाजर लंबे पीसेस में थोड़ा सा, और प्याज इस तरह से थोड़ा सा चौड़े पीसेस में काटना है, टमाटर भी हमने ऐसे काटा है, अदरक छोटे छोटे टुकड़े में, और लहसुन लंबे में काटना है, हरी मिर्च भी लंबे में काटना है, गोभी के इस तरह से पीसेस कर लेने हैं, शिमला मिर्च भी हमें प्याज की तरह ही इस तरह से काटनी है चौकोर में, और ये ब्रोकली है इसको भी हमने छोटा कर लिया है, पत्ता गोभी को थोड़ा बारीक काट लेना है, बीन्स को थोड़ा सा बड़े पीस में इस तरह से काटना है, और आलू आप चाहें तो लंबे में कर सकते हैं या छोटे में कर सकते हैं, आलू आप स्किप भी कर सकते हैं, हमने 1 आलू लिया है। अब हम अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल दिया है। फ्रेंड्स, ये सब्जी आप रिफाइंड ऑयल में ही बनाएं, कोई भी ले सकते हैं, राइस ब्राउन ऑयल ले सकते हैं, मूंगफली का तेल ले सकते हैं, सरसों के तेल में इसको न बनाएं क्योंकि ये सब्जी थोड़ी सी मीठी बनती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तेल अभी नहीं गर्म हुआ है, और इस सब्जी को बनाने के लिए आपकी जितनी सब्जी है उस हिसाब से आप बड़ी कढ़ाई इस्तेमाल करें, जिससे कि सब्जी अच्छे से भूनते बने और कढ़ाई में अच्छी तरह से चलाते बने सब्जी। तेल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम फूल गोभी को डालेंगे, इसके साथ हम आलू ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को हम भून करके निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम हमें तेज ही रखना है। दो मिनट हो गए हैं लगभग, फूल गोभी और आलू को हमने भून लिया है। इसी के साथ अब हम इसमें ब्रोकली ऐड कर देंगे, इसको भी हमें 1.5 से 2 मिनट तक भून लेना है। गैस का फ्लेम हमें तेज ही रखना है। दो मिनट हो गए हैं लगभग, ब्रोकली गोभी और आलू को हमने भून लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे, हमें चलाते हुए भूनना है। हमारी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल अभी है, 2 चम्मच हम और ऐड करेंगे।
तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें तेज़पत्ता ऐड करेंगे, जीरा डालेंगे 1 चम्मच, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इसको थोड़ा हम भून लेंगे। लहसुन, मिर्चा, अदरक ये भुन चुका है, इसी समय हम इसमें अब प्याज ऐड कर देंगे। थोड़ा सा प्याज चलाने के बाद लगभग 30 सेकेंड फिर हम इसमें शिमला मिर्च और बीन्स को ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हमें तेज ही रखना है। तीस सेकेंड हो गए हैं लगभग, अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और बीन्स भी डाल देंगे। बीन्स, शिमला मिर्च, प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस ये क्रंची हो जाए। आप चाहें तो कोई सब्ज़ी इसमें से स्किप कर सकते हैं, या कोई सब्ज़ी ना हो तो कोई बात नहीं। इसी समय हम इसमें पत्ता गोभी अपनी कटी हुई, इसको डाल देंगे। सभी चीज़ों को गैस को हम तेज़ी रखते हुए और चलाते हुए हम लगभग 3 मिनट तक भुनेंगे। गाजर भी हम ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम हरी मटर भी डाल देंगे। लगभग 3 मिनट तक सभी चीज़ों को हम चलाते हुए भूनेंगे। आप कोई भी सब्ज़ी आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। शिमला मिर्च, गाजर, आप कोई भी सब्ज़ी आप पहले भी डाल सकते हैं। तीन मिनट लगभग हो चुके हैं, सब्जी हमारी भुन चुकी है जितना हमें चाहिए। अपनी भुनी हुई सब्जियों को जो हमने पहले भुना था, आलू, ब्रोकली और फूल गोभी, इसको भी हम डाल देंगे इसी समय। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हल्दी, काश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, गैस का फ्लेम हमें धीमा रख लेना है। कोई मसाला आपको ज़्यादा लगे तो आप कम कर सकते हैं। सब्जी मसाला और नमक स्वाद अनुसार, अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला लेंगे। इसी समय हम इसमें कटे हुए टमाटर को ऐड कर देंगे। मिक्स वेज में हल्का ही मसाला अच्छा लगता है, इसलिए हमने थोड़ी सी पिसी हुई धनिया को हमने बचा लिया है, इतनी धनिया हमने नहीं डाली है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और 2 मिनट के लिए हम सब्जी को ढक देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं सब्जी को। बीच में भी हमने चलाया था, सब्जी हमारी पक चुकी है, आलू भी कट रहा है। इसी स्टेज पर हम पनीर के क्यूब डाल देंगे, इस तरह से छोटे पीसेस में काटना है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला करके
गैस का फ्लेम हम अब बंद कर देंगे, क्योंकि पनीर डाल के हमें नहीं पकाना है। फ्रेंड्स, इतनी सब्जी परिवार के चार लोगों के लिए पर्याप्त है। रोटी से, प्लेन रोटी से, मिक्सी रोटी से, सभी चीज़ों से ये अच्छी लगती है। अब हम सब्जी की प्लेटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मिक्स वेज हमारा बन करके तैयार है। हरी धनिया की पत्ती से हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे। आप चाहें तो सब्जी बनाते समय भी धनिया की पत्ती डाल सकते हैं। इस तरह से आप जाड़े की सीज़न में मिक्स वेज बनाइए, क्योंकि जाड़े की सीज़न में अलग अलग तरीके की सब्जियां आ जाती हैं। बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।